गठिया के बारे में भी ऐसा ही बोलते हैं, माइग्रेन के बारे में भी ऐसा ही बोलते हैं, अस्थमा के बारे में भी ऐसा ही बोलते हैं, एलर्जी के बारे में भी ऐसा ही बोलते हैं, कैंसर के बारे में भी ऐसा ही बोलते हैं, इसके अलावा लीवर की प्रॉब्लम के बारे में भी ऐसा ही बोलते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम के बारे में भी ऐसा ही बोलते हैं। तमाम तरह की ऐसी बीमारियां जिनका डॉक्टर्स के पास एक ही जवाब होता है कि ठीक नहीं होती, जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, मेरा हॉस्पिटल था, मेरे पेशेंट आते थे मेरे से पूछते थे मेरे को शुगर है मैं कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, मेरे को थायराइड है कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, मेरे को गठिया है कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा, मेरे को माइग्रेन है कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा। और सही बात है मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था दोस्तों कि कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा। तो बहुत दुख होता था यार, डॉक्टर बन गए, इतना बड़ा हॉस्पिटल भी बना लिया, चलो बीमारी का इलाज ही नहीं हमारे पास। आजकल ज्यादातर लोग तो इन्हीं से परेशान है, बीपी, शुगर, थायराइड, गठिया, एलर्जी, दमा, नजला, इनसे परेशान, इनका इलाज नहीं है, फिर किस बात के डॉक्टर। तो बहुत दुख होता था कि यार बस खांसी जुकाम बुखार ठीक करने के डॉक्टर है अपन तो बस। तो फिर दोस्तों क्या हुआ, मुझे कहीं से कुछ आयुर्वेदिक चीजों के बारे में पता चला। उससे पहले मुझे आयुर्वेद का पता था मुझे, लेकिन मुझे भरोसा नहीं था आयुर्वेद का। और यही हमारे देश का दुर्भाग्य भी है कि यहाँ पे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है उनको भी आयुर्वेद पे भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको जब पढ़ाया जाता है ना, जब जो उनको 5 साल मेडिकल कॉलेज में 6 साल पढ़ाया जाता है, तो उनको आयुर्वेद बस एक फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाया जाता है, सिखाया वही उनको, यही मॉडर्न साइंस, यही सब कुछ जाता है। इसलिए मुझे भी ज्यादा भरोसा नहीं था आयुर्वेद पे। लेकिन मैंने सोचा यार अपनी दवाइयों से तो कुछ हो नहीं रहा है। मैं पहले तो ये सोचता था कि यार इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, रोज नई नई टैबलेट्स, नई नई साल्ट्स की रिसर्च कर रहे हैं, नए नए इंजेक्शन आ रहे हैं, उनसे जब बीमारी ठीक नहीं हो रही, जूस जास घास फूस से कैसे बीमारी ठीक हो सकती है। मुझे मेरे दिमाग में ऐसा ही आता था, यार इतने रिसर्च करते हैं, बड़ी बड़ी लैब है, बीमारियों पर रिसर्च चलती है, वही नहीं ठीक कर पा रहे, तो ये मुझे नहीं लगता कि जूस से बीमारियां ठीक होंगी। आज भी आप किसी डॉक्टर के पास जाके कहोगे ना जी हमारा जूस आता है कोई भी एक्स वाई जेड, इसको लेने से बीमारी ठीक हो जाएगी, डॉक्टर आपको एक ही बात बोलेंगे, ये जूस उससे कुछ नहीं होता, टाइम पे दवाई दिया करो आप। किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर को जाके बोलोगे ना, हार्ट का डॉक्टर होगा, उसको बोलोगे जी फलाना जूस है, इसको पीने से हार्ट की बीमारी, अरे बोले इनसे कुछ नहीं होता, दवाई टाइम पे दिया करो। मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता, मेरी भी ऐसी ही सोच थी। लेकिन मैंने सोचा यार अपनी जो दवाइयां हैं सब कुछ आईसीयू है, आईसीयू है, इनसे तो बीमारियां ठीक हो ही नहीं रही है, तो क्यों ना एक बार आयुर्वेद को ट्राई करके देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ आयुर्वेदिक चीजें अपने हॉस्पिटल में मंगवाई, उनसे कुछ दवाइयां तैयार की, कुछ बाजार में उस समय जो मौजूद थी किसी भी कंपनी की, जूस वूस वो सब मैंने लिए और अपने कुछ मरीजों को ट्रायल के लिए दिया कि एक बार यूज करके देखते हैं कि कैसे क्या करती हैं ये, है ना। तो कुछ मरीजों को मैंने ट्रायल के लिए दिया और कुछ मरीजों को जब ट्रायल के लिए दिया और कुछ दिनों बाद जब उनसे पूछा कि आपको इस बार कैसा लगा, मैंने ट्रायल के लिए दिया था, जब मैंने पूछा कि आपको कैसा लगा तो सारे मरीज बोले सर इस बार हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा साला एक बार तो तुक्का लग गया होगा, नई चीज दी है, पहले कड़वी दवाई देते थे, इस बार जूस जास दिया तो अच्छा तो लगेगा इनको, तो है इनके लिए तो कोई बढ़िया हो गया, पहले तो इंजेक्शन लगते थे, दवाई मिलती थी, जूस पीने को मिल रहा है, लग गया होगा अच्छा, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर भी मैंने बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया, लेकिन जब उनकी जांचें वाचे की तो दिमाग में कहीं ना कहीं आया कि यार कुछ तो हो सकता है। तो दोस्तों मैंने फिर क्या किया, मेरा कुछ और विश्वास बढ़ा, मैंने कुछ और आयुर्वेदिक चीजें मंगवाई अपने हॉस्पिटल में।